सती सावित्री करकर जो वीडियो अभी फिलहाल में लोड हुई है, उसमें फिल्मों में आके ऐसा कहा गया कि मरे हुए जो मरी हुई औरतें हैं उनको जलाया गया। सती जो होती हैं मरी हुई औरतें नहीं होती हैं, वैसे तो सभी लगभग समझते हैं और जानते हैं, फिर भी ये जो त्रुटि है इसको ठीक करते हुए जिंदा औरत को जिसका पति मर जाता था उसको उसके पति की चिता के साथ जबरदस्ती जिंदा ही बांधकर उसको जलाते थे, और अगर वो भागती थी तो उसे डंडों से पीट पीट कर अधमरा कर कर उसमें डाल देते थे, या फिर इतनी जोर से नगाड़े ढोल और ताशे बजाते थे कि उसकी चीख पुकार और पिटाई का कोई भी शब्द किसी को समझ में ना आए, ताकि लोग उग्र ना हो और भैंसे ना हो। ये जो सती सावित्री शब्द है, सती सावित्री शब्द तभी से चल रहा है क्योंकि सावित्री का मतलब होता है सावित्री, इसको सावित्री बोलते हैं, और आज की डेट में इसका नाम है श्रावस्ती, जगह का नाम है श्रावस्ती, जिला है, तो जो श्रावस्ती है उसी को सावित्री और उसी को सावित्री बोलते हैं। वहां भगवान बुद्ध ने सबसे ज्यादा वसावास किए, वहां दो आराम थे यानी बिहार थे, एक पुब्बाराम और एक जैतुनाराम, सबसे ज्यादा कथाएं वहां की हैं, सबसे ज्यादा धम्म वहीं सिखाया, तो वहां की जितनी महिलाएं थी वो लगभग सभी की सभी सती पट्ठा में पारंगत थी। इसलिए ये मुहावरा पड़ा है कि सबसे जो अच्छी महिला, समझदार महिला, ईमानदार महिला, जो सत्य पे चलने वाली, सत्य पे चलने वाली महिला है वो सावित्री की होती हैं, सावित्री की होती हैं या श्रावस्ती की होती हैं। तो ये मुहावरा चलता है कि ये औरत सती सावित्री है, यानी कि सती इसने जो उपाधि है इतनी इसने पारंगत हुई है कि ये सती कहलाती है, सतीवती है, और ये श्रावस्ती की है, सावित्री की है, सावित्री की है, तब से सती सावित्री, आज तक भी वो मुहावरा कहीं गया नहीं है किसी भी महिला के लिए जिसको सम्मान देना हो। यहाँ एक सफीदो हरियाणा में गांव है, वहाँ सतियों के स्तंभ हैं, यानी कि सीलंग बोल सकते हैं उनको, सीलंग है या चैत्य है या स्तूप है, और आप उनको सीलंग भी बोल सकते हैं, शिवलंग भी बोल सकते हैं, और शिव अंग भी बोल सकते हैं, और शिवलिंग भी बोल सकते हैं, क्योंकि नाम बदलते बदलते सीलंग का शिवलिंग हो गया। ये जगह जगह छोटे छोटे स्तूप या छोटे पत्थर या छोटी छोटी मड़ियासी या छोटी छोटी हंडियासी या छोटा छोटा जो गोल गोल कहीं उभार सा होता है, ये सारे सीलंग हैं, शिवलिंग हैं, जो ये सती हैं उनके चिन्ह हैं, या जो भिक्कू हैं, जो भिक्कू पारंगत रहे हैं उनके ये चिन्ह हैं। ये आपको ईरान से लेके बर्मा तक पूरी जगह, पूरी दुनिया में मिलते हैं, गाँव गाँव में भी हैं। एक वकील साहब हैं जो बता रहे थे बातचीत में कि उनके गाँव में भी दो सती के मंदिर हैं, अब उनको समझ में आया है कि ये सती के मंदिर किनके रहे होंगे। तो ये जगह जगह बिखरे पड़े हैं, आप इसको अच्छी तरह से देख सकते हैं, और जो उसमें जो स्लिप ऑफ टंग रहा है, जिसकी वजह से मैं ये कह गया कि मरी हुई औरतें उसमें जलाई जाती हैं, उसको आप ठीक कर लें। सती में हमेशा जिंदी औरत, स्वस्थ औरत पति के साथ में, उसकी चिता के साथ में जबरदस्ती जलाई जाती है। धन्यवाद। राजा राम मोहन राय और भगवान बुद्ध की सती सावित्री, ये दोनों ही शब्द बहुत दूर के हैं, मगर दोनों का ही संबंध आपस में बहुत नजदीक का है। भगवान बुद्ध की सती सावित्री जो शब्द है, अगर आप इसको जानना चाहते हैं तो आपको सावित्री जानना पड़ेगा, क्योंकि सावित्री जो शब्द है उसी को सावित्री कहते हैं, और सती शब्द के जो अर्थ हैं वो इतने बदले हैं क्योंकि इतना ज्यादा प्रमुख शब्द रहा है कि मेरे कान में जब पहली बार सती शब्द आया तो मैं पढ़ता था क्लास 7 में 8 में। उस समय एक किताब थी जिसके अंदर लिखा हुआ था कि सती प्रथा भारत के अंदर होती है, जिसमें औरतों को मरने के बाद में जिंदा जला देते हैं, उसको सती बोलते हैं, और इस सती प्रथा को राजा राम मोहन राय ने खत्म किया। इतना मेरे कानों में डाला गया और वही मुझे आज तक याद है, मगर मुझे किसी ने आज तक ये नहीं बताया कि ये सती प्रथा आरंभ कैसे हुई और किसने की, और वो कौन लोग थे जो जिंदा औरतों को जलाते थे, वो जल्लाद और वो सबसे दुनिया के कमीने और घटिया लोग जो एक कमजोर अबला नारी को जबरदस्ती आग में उसकी पति के चिता के साथ जला रहे हैं, वो लोग अब कहाँ हैं, अभी वो भारत में क्या कर रहे हैं, उनके वंशजों की मनोवृत्ति है क्या, क्या अभी भी वो लोग महिलाओं को जिंदा जला रहे हैं। दरअसल सती जो शब्द है वो बहुत कमाल का शब्द है, क्योंकि सती को इतना ज्यादा बिगाड़ दिया गया है, इतना ज्यादा आपराधिक बना दिया गया है, इतना ज्यादा खराब बना दिया गया है कि उसका नाम लेते हुए भी, सोचते हुए भी डरते हैं। सती प्रथा नहीं है ये, सत ये है सती पथ, या इसको कहें
महासती पठान या सती पठान। अगर आप महासती पठान या सती पठान कहते हैं तो आपको भगवान बुद्ध के साथ में फिर कुरुक्षेत्र यानी आज का कुरुक्षेत्र कुरुखेत या कुरु प्रदेश और उस समय का थानेसर शहर यानी कुरु प्रदेश पूरा है और कुरु प्रदेश में है थानेसर शहर। कुरुक्षेत्र बाद में बना है, बहुत नया शब्द है अभी का है, क्योंकि जो कुरु का खेत है और जो कुरु प्रदेश है या कुरु देश है उसमें जो थानेसर शब्द है वहां पर लोग बहुत ज्यादा पंचशील का पालन करते थे। पूरे आज का जो हरियाणा है यानी हरियाणा जिसको बोलते हैं हरियाणा हरियाणा अरी माने यह है यहाँ अरियान यहाँ श्रेष्ठ ज्ञान होता था उस जगह। वहाँ के लोग बहुत अच्छे और बहुत बढ़िया, पूरा पंजाब पूरा हरियाणा दिल्ली ये सारा हरियाणा हुआ करता था कुरु प्रदेश। तो यहाँ के जो लोग थे जब भगवान बुद्ध यहाँ चारिका करते करते आए और यहाँ आके उन्होंने देशना दी तो उन्होंने देखा कि यहाँ के लोग तो पहले से ही पंचशील का पालन करते हैं, बहुत ईमानदार हैं, किसी का कोई सामान नहीं उठाते, किसी को कोई अपशब्द नहीं बोलते, कोई झूठ नहीं बोलते, कोई व्यभिचार नहीं करते, कोई हत्या नहीं करते, कोई पाप नहीं करते, कोई सुरा शराब नशा पदार्थ नहीं पीते। तो इतने सच्चे लोगों के लिए जब उन्होंने देखा तो यहाँ पे देशना दी, उसको कम्मासपुर का सती पठान बोलते हैं। कम्मासपुर में दिया हुआ सती पठान सूत्र क्या है वो सूत्र, वो कहते हैं कि कोई आदमी अगर इस तरह से भावना करे, इस तरह से प्रैक्टिस करे, इस तरह से विपसना करे तो वो घटाते 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 सालों से घटाते घटाते लास्ट में कहते हैं कि 7 दिन में मोक्ष को प्राप्त कर सकता है, 7 दिन में निर्वाण प्राप्त कर सकता है, 7 दिन में अमृत पद प्राप्त कर सकता है, 7 दिन में अमृत चख सकता है। इतनी खास बात उन्होंने यहाँ कम्मासपुर जो दिल्ली के पास में जो जगह है गांव है वहाँ जहाँ एक सती पठान का एक पूरा का पूरा भगवान बुद्ध का जहाँ देशना सिखाई जाती है सती पठान सिखाई जाती है वो जगह है। तो सती इतना प्रमुख था, मगर सती का मतलब क्या है? दरअसल सती को तो बाद में घिसते घिसते बहुत सारा विकार करते करते कह दिया ये स्मृति है यानी कि मेमोरी है, जबकि मेमोरी को पाली में संज्ञा बोलते हैं या संज्ञा बोलते हैं, वो मेमोरी है। जो सती है वो मेमोरी नहीं है, जो सती शब्द है उसका मतलब है जागरूक रहना, 24 घंटे विजिल रहना, जागे हुए रहना। कैसे जागना है? आंख खोल के नहीं जागना है चौकीदार की तरह, आपने जागना है ये देखने के लिए कि सामने जो मैं कम कर रहा हूँ, कर्म कर रहा हूँ, वर्क कर रहा हूँ, ये मेरे मन से, ये मेरे वचन से और ये मेरे शरीर के अनुसार, इसमें कोई पाप तो नहीं हो रहा है, ये कोई मैं पाप कर्म तो नहीं करे जा रहा हूँ इकट्ठा, ये पुण्य कर्म है ना, ये अच्छा कर्म है ना, इसकी आपको 24 घंटे अगर जानकारी है तो उसको कहते हैं कि ये सती मंतु है और सतीवती है, यानी कि अगर वो भिक्कुणी है या कोई व्यक्ति और महिला है तो सतीवती बोलेंगे उसको, और अगर वो कोई पुरुष है तो उसको सती मंतु बोलेंगे। तो सती मंतु हो गया, तो सती दोनों के लिए आता है, सती नर के लिए भी आता है, नारी के लिए भी आता है, भिक्कुणी के लिए भी आता है और भिक्कू के लिए भी आता है, उपासक के लिए भी आता है और उपासिका के लिए भी आता है, यानी स्त्री का भी है लिंग इसमें और पुल्लिंग भी है। तो सती इतना ऊंचा था कि सतीवान व्यक्ति जो 24 घंटे जागा रहता है वो 7 दिन के अंदर भी निर्वाण को प्राप्त कर सकता है, जबकि निर्वाण 7 जन्म में नहीं मिलता लोगों को, इतना मुश्किल भी होता है। तो सती की इतनी ज्यादा महिमा थी कि जो सती पठान की उसकी भावना करता था, उसकी प्रैक्टिस करता था, उसकी विपसना करता था, मैंने भी की हुई है, 7 दिन होती है, धर्मशाला के अंदर करके आया था मैं, धम्म शिखर नाम का वह एक सेंटर है विपसना का, तो वहां बताते हैं कि शरीर पे कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है बुराइयों का, कैसे कैसे प्रभाव पड़ता है अच्छाइयों का, आप अपना पुण्य भी देख सकते हैं और अपना पाप भी देख सकते हैं, पुराना भी और नया भी, हाथ के हाथ हो रहा है वो भी और जो पहले से इकट्ठा कर रखा है वो भी, उसको डिलीट भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ये विपसना की खास बात है। तो वहां जो सती पठान जो शब्द है इसका मतलब जागरूक है, स्मृति नहीं है, बाद में बदल दिया गया। तो सती जितनी भी महिलाएं थी वो सती पठान की भावना करती थी, और जब उनका पति मर जाता था, यानी किसी महिला का अगर पति मर गया तो वो करे क्या, अब उसका मन तो लगना नहीं, क्योंकि पति की तो वो सेवा करेगी या पति के लिए खाना बनाएगी या बातचीत करेंगे, एक दूसरे का मन लगा रहेगा, अब उसके पास में कोई ऐसी भावना है नहीं, तो वो भिक्कू संघ में शामिल होकर भिक्कुड़ी बन के अपने बाल कटा के गंजी हो जाती थी, क्योंकि बाल सारे कटाने हैं वरना विपसना साधना में दिक्कत आएगी, लंबे बाल आपके हिलेंगे तो साधना नहीं हो पाएगी। तो भारत में ऐसे कई सेंटर आज भी हैं जहां महिलाएं अपने बाल कटाती हैं, जटाने नहीं रखती, जबकि भारत के जो और तरह के जो और पद्धतियों के जो साधु संत हैं वो जटायु होते हैं, वो जटा रखते हैं, मगर भिक्कू या भिक्कुणी जटा हटा देते हैं क्योंकि साधना विपसना में दिक्कत आती है,
और गंदगी भी रहती है और सुंदरता बढ़ती है, सुंदरता बढ़ेगी तो मन अटका रहेगा तो विपसना साधना होगी नहीं। बालों को देखते रहेंगे, बालों से चेहरा सुंदर लगेगा तो विपसना साधना कैसे होगी? तो ये भी कारण रहा। तो वो केस कप्पन का, यानी कि जो केस के कटने का, बालों के कटने का, वो स्थान आज भी कई जगह है, मथुरा के अंदर है, तिरुपति के अंदर है, और भी कई जगह केस मुंडे जाते हैं, और सभी जगह जहां धम्म पढ़ाया जाता था आज भी बाल काटने के लिए, कटवाने के लिए लोग जाते हैं, अपने बच्चे का मुंडन कराते हैं। मुंडन का मतलब मुंडा लोग, मुंडे लोग, मुड़िया लोग, जिनके बाल कटे होते हैं। तो बच्चों को मुंडन कराने का, भिक्खु जीवन में पहली बार पद देने का, पदार्पण करने का, पहला कदम रखने का, उनके बाल कटाने का प्रक्रिया होती है, उसकी दावत भी होती है, खुशी भी होती है कि हमारा बच्चा पहली बार धम्म में जा रहा है, तो उसकी चर्या उसी हिसाब से होती है। तो मुंडन भारत की वही प्रथा है, और वही मुंडे लोग हैं, वही मुंडा लोग हैं, वही मुड़िया लोग हैं, वही मुड़ा मुड़ी हैं। तो वो जो लोग अपने बाल कटाते थे तो महिलाएं फिर प्रैक्टिस करने के बाद में सती पठान करती थी, और सती पठान करके वो सती मंतु या सतीवती हो जाती थी, और सतीवती होने के बाद में फिर वो लोगों को जगह जगह धम्म सिखाती थी। इससे अधम खत्म होता था, पाप खत्म होता था, और लोग बढ़िया होते थे। कुछ लोगों को परेशानी इससे थी क्योंकि उनका व्यापार, उनका धंधा नहीं चलता था। तो उन लोगों ने जब पहले तो धम्म को खत्म किया, और जब धम्म खत्म हो गया तो ये जो महिलाएं धम्म की पिलर थी, जो सती महिलाएं थी, जो धम्म की पिलर थी, धम्म की ये बिल्कुल शलाका थी, धम्म की स्तंभ थी, उनको खत्म करने के लिए उन्होंने उनको जलती आग में जबरदस्ती ठपैत और लठैत, ठपैत माने ठपैत माने जो लठ के साथ में खड़ा हुआ ठपैत है, ठपैता, ठपैती, तो जो ठपैत है या ठापित है उसके साथ में जबरदस्ती लठों के साथ में उनको वहां डाला और जलाया जिंदा, और फिर उसकी महिमा करी ताकि जिसकी औरत जली है उसको गुस्सा ना आए और उस परिवार को कोई गुस्सा ना आए, क्योंकि पति तो मर चुका है, तो पति सबसे ज्यादा रिवेंज करता लेता, पति तो है नहीं, पत्नी मजबूर हो गई, उसको जला दिया, बाकी घर वाले अपनी जान बचाने के लिए चुप हो गए, और फिर उसका महिमा करके, गुणगान करके उसमें मरहम पट्टी करने की कोशिश की गई, और फिर मानसिक रूप से धीरे धीरे इस घटना को मन में स्थापित किया गया कि ये सती माता है, ये सती देवी है, इसकी पूजा करो, इसकी जय जयकारा करो, इसकी महिमा करो, इससे बहुत कुछ मिलेगा। जिंदा किसी व्यक्ति को आप जलाओगे तो वहां पाप होगा, पाप को होते हुए आप देखोगे भी तो भी आपका सर्वनाश होगा, जो करेंगे उनका तो होता ही है, तो आपका सर्वनाश होगा। तो उस मंदिर से, उस जगह से आपको सिवाय पाप और दुख के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। जिस औरत को आपने जिंदा जलाया उस औरत की चीखें हमेशा कानों में रहेंगी, असर उसका वेव रहेगा, वेव लेंथ रहेगी, इसलिए उस जगह से तो कुछ मिलना नहीं, उस जगह से तो हमेशा नुकसान ही नुकसान होगा। वो औरत आपका क्या फायदा करेगी जो खुद जल के मरी है, चीख चीख के मरी है। तो ये सती प्रथा को, क्योंकि प्रथा शब्द बाद में बना है, सती पथ है, सती पथ होता था वो जो जागरूकता का पथ है, यानी सती मार्ग जो भगवान बुद्ध ने दिया, यानी कि जागरूक रहने का पथ सती पथ, उस सती पथ को सती पथा बना दिया, सती प्रथा बना दिया। पथा पाली का वर्ड है और प्रथा संस्कृत भाषा का, तो सती प्रथा बना के उस पुरानी मान्यता को तो खत्म कर दिया। जो महिलाएं पढ़ाती थी, घर घर जाती थी, धम्म सिखाती थी, उनको जला के उनको महिमा मंडित करने की प्रथा स्थापित कर दी और पुराना इतिहास सारा खत्म कर दिया ताकि किसी को पता ना चले। इसलिए जो सती प्रथा है, जब वो चलने लगी, चरम पर आ गई और महिलाएं मरने लगी, तो आपने ध्यान दिया होगा कि कुछ खास लोगों ने अपनी महिला नहीं मरने दी। उन लोगों ने गॉड के नाम पर उन महिलाओं को बचा के रखा कि गॉड की इच्छा नहीं है, गॉड नहीं चाहता, वो अपनी महिलाओं को नहीं जलने देते थे। औरों की महिला जो भिक्खु बनने वाली हैं, भिक्खुनी बनने वाली हैं, उनको जलाते थे। इस तरह से उन्होंने अधम को फैलाया और कर्म कांड को आगे बढ़ाया। इसी घटना में चलते 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 राजा राम मोहन राय जब विदेश चले गए तो उनके भाई एक्सपायर हो गए, और उसी प्रथा के तहत में, उसी पथ के तहत में, उसी कुरुति के तहत में उनकी भाभी को जिंदा जला दिया उनके भाई की चिता के साथ में। उस चिता से पहले एक पत्र उन्होंने लिखा, उसमें लिखा था कि देवर जी अगर आप यहाँ होते तो शायद मैं बच जाती। तब उसके बाद जो उसमें उस समय के जो गवर्नर जनरल थे, गवर्नर जनरल को उन्होंने अप्रोच किया, गवर्नर जनरल ने उस प्रथा पर रोक लगाई, मगर प्रैक्टिस बंद नहीं हुई, यानी कि कानून आ गया मगर प्रैक्टिस चलती रही, चोरी छुपे और धरपकड़ चलती रही। आज के समय में भी औरतें जिंदा जलाई जा रही हैं, खूब जल रही हैं, वही प्रथा दिमाग में लोगों की अभी है। लोगों को ऐसा लगता है कि औरतों को जलाना या औरतों को मारना एक हमारा राइट है जो उनके दिमाग में वहां से है। मगर कमाल की बात यह है कि जिन पुरुषों की महिलाएं जिन परिवारों को जलती हैं वो कभी ऐतराज नहीं करते, पुरुष इसमें पूरे सहयोगी हैं। एक सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि
जब औरत मरती है तो पुरुष को क्यों नहीं जलाया गया, ये आप इस बात को समझिए, क्योंकि अगर पुरुष को भी जलाया जाता तो पुरुष विरोध करता, फिर वो खड़ा हो जाता डंडा लेके, तो फिर जलाने वालों की हिम्मत नहीं होती महिला को। इसलिए महिला को जलाया क्योंकि महिलाओं से ज्यादा खतरा था। एक एक घर में जाके 10 घरों को जो पलाती थी उसे 10 घरों का बहुत बढ़िया लाभ होता था और वो आडंबर से निकल जाते थे। इसका सती प्रथा को अगर आप पढ़ेंगे तो बार बार आपके दिमाग में, नेट में, कंप्यूटर में, जगह जगह किताबों में लिख के ये बात डाली जाएगी कि मुसलमानों की वजह से सती होती थी, क्योंकि मुसलमान इज्जत लूटता था, मुसलमान आता था और मुसलमानों के डर की वजह से औरतें अपने आप को सती कर लेती थीं, स्वयं को जला लेती थीं या कुएं में कूद के मर जाती थीं। ये बिल्कुल सरासर झूठा और गलत और आरोप है। हर एक आक्रांता जितना भी पूरी दुनिया में, जब किसी देश में कोई सेना घुसती है, मारती या काटती है, तो हर सेना वहाँ की औरतें, वहाँ का पैसा, वहाँ का घरों में आग लगाती है, वो लूटपाट के चलती हैं, औरतों को अपने साथ ले जाती हैं, उनका इस्तेमाल करते हैं और बाकी घरों में लूटपाट करके सामान ले जाते हैं। ये सारी सेनाओं का एक नेचर है, ये खाली मुसलमानों का नहीं है। अगर कोई आक्रांता तो हैं ये, मुसलमानों के अलावा और भी दुनिया में जितने भी आक्रांता हैं या जितने भी आक्रमणकारी हैं या घुसपैठी हैं, उन सबका ही है, चाहे वो हुन हैं, चाहे वो सिख हैं, चाहे वो मुगल हैं, चाहे कोई भी है। ये मुसलमानों पर आरोप लगा के या मुसलमानों को जस्टिफाई करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि मुसलमान तो बहुत बाद में आए हैं, अब आए हैं मुसलमान, तो ये प्रथा बहुत पहले से चली आ रही है। अगर आप देखेंगे तो इसका पहले केस में इसका नाम मिलेगा दक्खायनी, दक्षायणी बोलते हैं। दक्खायणी का मतलब है जो देख सकती है, जो समझ सकती है, जो जागरूक है, जो सती है, यानी सती का एक नाम दक्खायनी भी है। और अगर आप पुरानी किसी पुराण कथा में जाएंगे तो आप पाएंगे कि जो पहला जो केस हुआ है जलाने का, वो महादेव की पत्नी का हुआ है, महादेव की पत्नी को जलाया गया है, तो उन्हीं को नाम सती भी दिया गया है। अब महादेव कौन थे और उनकी पत्नी को क्यों जलाया गया, ये मेरी जानकारी में नहीं है, क्योंकि मैं पुराणों का विशेषज्ञ नहीं हूँ, पुरानी कथाओं का विशेषज्ञ नहीं हूँ। धन्यवाद। आप सभी से ये निवेदन है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है या बाकी वीडियो अच्छी लगी हैं और आपको लगता है कि धर्म की वीडियो किसी को और मिलनी चाहिए या किसी को गिफ्ट में भेजनी चाहिए या किसी भाषा में कन्वर्ट करके आगे बढ़ानी चाहिए या प्रिंट में, किताब में छापनी चाहिए या इसकी जो ऑडियो है उसे निकाल के भेजना चाहिए या इसका किसी पार्ट को इस्तेमाल करना चाहिए, तो आपको लिबर्टी है, आपको छूट है, ये सभी कॉपीराइट फ्री हैं। आप अपने फेसबुक पे, अपने पेज पे, अपने ट्विटर पे या अपने हैंडल पे या लिंक को कहीं भी शेयर कर सकते हैं, कहीं भी चला सकते हैं, आप यूट्यूब पे भी चला सकते हैं, अपने नाम से चला सकते हैं। इसके लिए इजाज़त लेने की या परमिशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप इसको अपना मान के चलाएं, क्योंकि धम्म सबका है, हम जो बताते हैं वो भगवान बुद्ध का है या महापुरुषों का है, उन्हीं की बात को सरल भाषा में बताते हैं। हमारा सिर्फ इतना राइट है इस पे कि हम इसको लोड कर देते हैं, बाकी सारी ये पूंजी आपकी है। धन्यवाद। Good time.